अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. लेट्स कम टू द लेसन. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 41. स्टूडेंट्स, दिस इज यूनिट नंबर 5 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हम सिंपल कह सकते हैं, ग्लोबल जो है वो पूरी दुनिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है. वार्म आपको पता है गर्म के लिए कहते हैं, यानी पूरी दुनिया का गर्म हो जाना, मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना पूरी दुनिया में. क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो हम चैप्टर भी यही पढ़े हैं. क्लाइमेट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज हमने पढ़ा था. अभी हमने लास्ट टॉपिक प्रीवियस लेसन में कंप्लीट किया साउथ एशियन कंट्रीज से रिलेटेड. अब जो है लास्ट टॉपिक पढ़े हैं ग्लोबल वार्मिंग. लेट्स कम टू द लेसन. फॉर सेंचुरीज पीपल ऑपरेटेड देयर मशीन्स बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. कई सदियों तक लोग जो हैं अपनी मशीनों को इस्तेमाल करते थे हाथों से, या फिर जानवरों का इस्तेमाल करते थे. यानी जब तक साइंस ने तरक्की नहीं की थी और बहुत बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन्स नहीं बनी थी, तो छोटी छोटी जो मशीन्स इस्तेमाल भी करते थे, लीवर, पुली, एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता था उसके लिए जो है जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, बैलगाड़ी वगैरह होती थी. तो लोग ज़्यादातर हाथों और जानवरों का इस्तेमाल करते थे. देयर मशीन्स वर सिंपल, और उनकी मशीन भी बिल्कुल सिंपल सादी होती थी. हाउएवर दिस सिचुएशन बिगेन टू चेंज बाय 1800 AD. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन जो 1800 है सदी, यहाँ से सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई. साइंस ने जब तरक्की करना शुरू की तो नई नई चीज़ें ईजाद होना शुरू हो गई. बाय दैट टाइम मैनी न्यू मशीन्स हैड बीन इन्वेंटेड इन यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. और इस वक्त से ही तकरीबन यूरोप में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर तरक्की हुई तेज़ी से साइंस में, और नई नई किस्म की मशीनें जो हैं वो ईजाद होना शुरू हो गई. These new machines did more work than the old ones, but they could not be used without fuel, such as coal and gas. ये जो मशीनें ईजाद की गई, इन ये कारामद बहुत थी. और जैसे कि जो मशीनें हाथ से चलती थी या जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी बजाय ये जो लेटेस्ट मशीन्स थी उन्होंने काफ़ी हद तक काम को तेज़ कर दिया था. उसमें लेबर कम हो गई थी, इंसान की मेहनत कम हो गई और मशीनें तेज़ी से काम करना शुरू हो गई पुरानी मशीनों के मुकाबले में. लेकिन वो जो मशीनें बनाई गई थी वो फ्यूल से जो है वो मशीनें काम करती थी, यानी कि ईंधन किसी न किसी तरह का उसमें जो है वो यूज़ होता था, जैसे कि कोयला या फिर गैस वगैरह, कोयले को जलाकर या फिर गैस. जैसे आपको ये नज़र आ रहा है स्टीम इंजन है यहाँ पर, और ये रेलगाड़ी को चलती हुई नज़र आ रही है जो स्टार्टिंग में थी. तो देखिए उसके अंदर इंजन में इस्तेमाल होने की वजह से ये धुआं किस कदर निकल रहा है यहाँ से, जबकि जो पहले गाड़ियाँ या इस्तेमाल होती थी, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी या फिर तांगा जिसमें घोड़ा वगैरह इस्तेमाल होता था, ऑब्वियसली उसमें इस किस्म की चीज़ें नहीं थी. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज मशीन्स आर द स्टीम इंजन, द लोकोमोटिव इंजन या जिनिंग मशीन एंड सो ऑन. ये जो मिसालें थी जो मशीनें उस दौर में ईजाद होना शुरू हुई, उनमें स्टीम इंजन था, यानी वो भाप से चलने वाला जो इंजन है, या फिर लोकोमोटिव इंजन, या ये जो रेलगाड़ी के लिए या मालगाड़ी वगैरह जो होती थी उसका ट्रेन का जो इंजन बनाया जाता था उसको चलाने के लिए, उसमें या तो स्टीम इंजन होता था या फिर उसके अलावा जो है वो कोयले को जलाकर भी जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी, फ्यूल के तौर पर यूज़ होता था. इसी तरह से जेनिंग मशीन थी जो कि रुई धुनने का जो काम है, रुई को बनाया जाता था, कॉटन, जैसे कि आपको पता है जैसे हम रज़ाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं सर्दियों के लिए ख़ास तौर पे उसका इस्तेमाल होता है, तो रुई को धोना कहते हैं, धुनना कहते हैं, उस वो मशीन जो है वो ईजाद हुई. तो इसी तरह की और कई ज़रूरतों के लिहाज से जो है वो मशीनें बना ली गई. तो लेकिन इन मशीनों में जो है वो फ्यूल ज़रूरी था, वो हाथों या जानवरों से चलाने वाली मशीनें नहीं थी. एट फर्स्ट पीपल डिड नॉट नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल इज बर्न. शुरू शुरू में क्योंकि साइंस ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, रिसर्च ज़्यादा नहीं हुई थी, तो लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि
जब हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जैसे कि कोयला जलने से या गैस के इस्तेमाल से जो है, जब उनको इस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये बात लोगों को मालूम नहीं थी। इन 1896 एडी स्वांटे अरेनियस अ स्वीडिश केमिस्ट डिस्कवर्ड दैट नेचर ऑलरेडी केप्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म। ये केमिस्ट था स्वीडिश स्वांटे अरेनियस। इसने डिस्कवर किया रिसर्च के बाद ये बात दरियाफ्त की कि नेचर में यानी कुदरती तौर पे जो हमारी फ़जा है जिससे हम जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, इसी तरह जैसे ऑक्सीजन मौजूद है तो इसी तरह फ़जा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी कुदरती तौर पे मौजूद है और उसी की वजह से जो हमारी हमारा प्लैनेट है वो जो गर्म रहता है, उसका टेम्परेचर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। He observed that the use of new machines was producing more carbon dioxide और उसने अंदाज़ा लगाया, मुशाहिदा किया कि जब ये नई मशीनें बनी हैं और इन मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया है और उसमें फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, तो उसने ये मुशाहिदा किया कि पहले से नेचर में कुदरती तौर पे CO2 मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और अगर हम ये मशीन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिर मजीद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। ही प्रिडिक्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बिकम हॉटर इन द नेक्स्ट सेंचुरी। उसने प्रिडिक्ट किया, ये पेशन गोई की कि अगर इसी तरह से हम मशीनें इस्तेमाल करते रहे तो ये दुनिया जो है वो अगली सदी में मजीद गर्म हो जाएगी। एट फर्स्ट नोबडी लिसन टू हिम, शुरू शुरू में किसी ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने उसको सुना ही नहीं, बट सून द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड बिगेन टू राइज जस्ट एज अरेनियस हैड सेड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने महसूस किया कि दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, जैसे कि अरेनियस ने कहा था, पेशेंट गोई की थी कि इस तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड मशीनरी के थ्रू पैदा होना शुरू हो गया, नेचर में ऑलरेडी मौजूद है, कुदरती तौर पे फ़जा में पाया जाता है, और जब इस तरह से मशीनें वगैरह इस्तेमाल होंगी जिसमें फ्यूल इस्तेमाल होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं वक्त गुजरा तो महसूस हुआ कि वाकई दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, जैसा कि अरेनियस ने कहा था। बाय 1990 इट हैड बिकम सो हॉट दैट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम UNO कहते हैं, आस्क 300 साइंटिस्ट टू डिसाइड वेदर अरेनियस हैड बीन राइट 100 ईयर्स अगो। इतना ज्यादा 1990 तक ये टेम्परेचर बढ़ गया 1990 तक के जो यूनाइटेड नेशंस है ऑर्गेनाइजेशन है यानी अक्वामे मुत्तहिदा की जो तंजीम है, उसने ये 300 साइंसदानों को जो है वो इकट्ठा किया, उन्हें कहा कि वो रिसर्च करें और डिसाइड करें कि अरेनियस ने जो 100 साल पहले 100 ईयर्स अगो 100 साल पहले जो प्रिडिक्ट किया था, जो पेशेंटगोई की थी, क्या वो वाकई सही थी। द साइंटिस्ट रिपोर्टेड दैट बाय द ईयर 2020 द वर्ल्ड वुड बी 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन नाउ। तो इन साइंटिस्ट ने, ये जो 300 साइंसदान थे, इन्होंने सारी तहकीक की और उसके बाद रिपोर्ट पेश की कि 2020 तक ये जो हम जिस ईयर में मौजूद हैं, जो साल चल रहा है 2020, इस साल तक जो दुनिया का टेम्परेचर है वो 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उस वक्त के, जब उन्होंने रिसर्च की थी उस वक्त के मुकाबले में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड 3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर बाय 2070। और उन्होंने कहा कि इसी तहकीक को अगर हम आगे रख के मुशाहिदा करें और अंदाजा लगाएं तो 2070 तक, यानी कि आज से ये 2020 यानी आज से इस साल से 50 साल बाद 2070 तक ये टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उससे मजीद ज्यादा हो जाएगा। इफ दिस हैपन्स द आइस कैप्स एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल मेल्ट। और अगर ऐसा हो गया यानी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया इतने अरसे में, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर से एंड वाली जगह है, सूरज की हीट वहां नहीं पहुंचती और वहां जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है टोटल फ्रोजन है,
वहां पर पहाड़ों पर बर्फ जमी है सैकड़ों सालों से, लेकिन अगर दुनिया का टेम्परेचर इस हद तक बढ़ गया तो वो जो आइस कैप्स हैं यानी जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पर, ये देखिए ये बर्फ जमी हुई है सारी और यहाँ पे ये वाटरफॉल है, पानी मेल्ट होकर यहाँ आ रहा है, ये ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो आइस कैप्स हैं ग्लेशियर्स हैं ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, विल मेल्ट एंड देयर विल बी मोर वाटर इन द ओशंस। और जब ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं बर्फ के ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो समंदरों में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैनी कंट्रीज विल ड्रोन, बहुत सारे ममालिक डूब जाएंगे इस पानी में। ये जो बड़े बड़े समंदर हैं, जैसे कि हमने ओशंस के बारे में पढ़ा था, और ओशंस जो हैं वो वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा ह्यूज हैं, बहुत बड़े हैं। एक एक ओशन जो है वो कई ममालिक को टच करता है कहीं ना कहीं से, तो बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो उस पानी में डूब जाएंगे। ऑल्सो द वर्ल्ड विल बिकम सो हॉट दैट पीपल इन मैनी प्लेसेज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव। और इसके साथ साथ टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो हैं बहुत सी जगहों पर उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पे जैसे इक्वेटर के करीब के इलाके हैं, ममालिक हैं, वहां पे रिहाइश करना, वहां पर रहना इंसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सम ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स एंड प्लांट्स मे डाई, और इसी तरह से बहुत से जो छोटे छोटे जानवर और पौधे हैं वो तो जो है हो सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, सर्वाइव ना कर सकें। तो ये काफी जो अलार्मिंग सिचुएशन है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग सुनते होंगे यकीनन, अभी काफी पार्ट रह गया है इसका, ये मैं आपको अगले लेसन में करवाऊंगी। अभी इतना पढ़ के ही कितना डेंजरस फील हो रहा है आपने यकीनन अंदाजा किया होगा। आप दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ें और इसको समझें, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग जो दुनिया की थी, लोग किस तरह से रहते थे, तब कोई इशू नहीं था, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ फिर जब साइंस ने तरक्की की तो कुछ फायदे भी हुए लेकिन उसके नुकसानात भी हैं। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो एक थ्रेट है आने वाले दिनों में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि तकरीबन 2070 तक जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर यही सिचुएशन रही, इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो बर्फ के फ्रोजन ओशन हैं और पहाड़ हैं वो सब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब जाहिर है वो मेल्ट होंगे तो उनका पानी समंदरों में ही आना है, समंदर जब इतने भर जाएंगे तो वो फिर वो पानी उनका फैलना शुरू हो जाएगा, और बहुत से ममालिक जो हैं वो जो समंदर के करीब के ममालिक हैं वो डूब जाएंगे उसके अंदर। इसके साथ साथ ये भी होगा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा दुनिया का, और उसकी वजह से बहुत से जो छोटे जानवर और पौधे हैं हो सकता है कि वो बिल्कुल भी सर्वाइव ना कर सकें और वो खत्म हो जाएं। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको अगले लेसन में करवाऊंगी। आज के लिए इतना काफी है, इसकी रीडिंग करें और समझें। अल्लाह हाफिज़।